वर्ली से शिवसेना उम्मीदवार मिलिंद देवरा ने नामांकन किया और वर्ली की महिलाओं के बीच मिलिंद देवरा पहुंचे हुए हैं, जहां महिलाएं उन्हें अपना समर्थन जाहिर कर रही हैं। और मुंबई की वर्ली सीट काफी हॉट सीट बन गई है और यहां स्थानीय वर्ली के लोग पहुंचे हैं, जो कि अपना समर्थन जाहिर कर रहे हैं। साथ ही साथ कार्यकर्ताओं का भी काफी ज्यादा समर्थन मिल रहा है। मुंबई की वर्ली विधानसभा सीट जो कि काफी हॉट सीट बन गई, सर मिलिंद सर, वर्ली की वर्ली सीट काफी हॉट सीट बन गई है, त्रिकोणीय मुकाबला है, इलेक्शन का ऑफिस है जी। देखिए, सॉरी सॉरी, थैंक यू जी सर, क्या अगोदर सांगायचं होतं जी। मिलिंद सर, वर्ली की वर्ली सीट महाराष्ट्र की सबसे हॉट सीट बन गई, पूरे देश की निगाहें हैं आपके मैदान में आ जाने से, नजरें सभी की टिकी हुई है वर्ली सीट पर, क्या खींच कर लाया है वर्ली आपको? वर्ली तो हमारे लिए कहाँ नई चीज कहाँ है, हम दक्षिण मुंबई का है भाई, दक्षिण मुंबई में रहते हैं और दक्षिण मुंबई और मुंबई के लोगों के समस्याओं को दूर करने के लिए ये सत्ता के आधार पर हम भेदभाव नहीं करते हैं। कुछ लोग हो सकते हैं कि मैं सत्ता में हूं तो मैं काम करूंगा, मैं सत्ता में नहीं हूं तो मैं काम नहीं करूंगा, ऐसे हम राजनीति नहीं करते हैं। हमारे एक पारिवारिक संबंध है लोगों के साथ, जहां हमारी कैपेबिलिटी हम मदद करते हैं। लेकिन यहां वर्ली मैं कह सकता हूं कि महायुति का उम्मीदवार मुख्यमंत्री स्वयं उम्मीदवार हैं और मुख्यमंत्री साहब स्वयं वर्लीकरों को न्याय देना चाहते हैं। आप कहते हैं कि आदित्य ठाकरे से आपको बड़ी उम्मीदें थी लेकिन निराशा हाथ लगी, ऐसा क्या उम्मीद थी और क्यों लग रहा है कि वर्ली में अब बदलाव होना चाहिए? ये आपको आने वाले दिनों में आप जनता से भी बात कीजिएगा, मैं आपसे निवेदन करूंगा। ये कहा जा रहा है कि आप राज्यसभा सांसद हैं, राज्यसभा सांसद होकर विधानसभा चुनाव लड़ा जा रहा है क्योंकि आदित्य को घेरना है। देखिए, हम तो कभी राज्यसभा में हो या लोकसभा में या इस सभा में या उस सभा में हम भेदभाव नहीं करते हैं। पॉलिटिक्स में पावर में हो या ना हो, लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए हम हमेशा संघर्ष करते हैं। वर्ली के क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर आप संबोधित करना चाहेंगे? मुद्दे हैं, स्थानिक मुद्दे हैं, मुंबई के लेवल पे मुद्दे हैं, महाराष्ट्र के लेवल पे मुद्दे हैं। देखिए, एक आमदार का काम, एमएलए का काम, एमपी का काम, ऐसे फॉर एग्जांपल हम एमपी हैं, हम ये नहीं कहते हैं कि हम लोकल मुद्दे पे ध्यान नहीं देंगे। हर मुद्दे पर आपको ध्यान देना पड़ता है, आपको लोकल मुद्दों को भी सुलझाना पड़ता है, राष्ट्रीय मुद्दे को भी सुलझाना पड़ता है, क्षेत्रीय मुद्दों पर भी ध्यान देना पड़ता है। मुकाबला है मनसे से या शिवसेना यूबीटी से? मिलिंद सर, मुकाबला यूबीटी से या मनसे से? मुकाबला एमएनएस से या यूबीटी से? मुकाबला देखिए, हम किसी को हराने के लिए नहीं आए, मुंबई करों को जिताने के लिए आए। मिलिंद देवरा, जिनका कहना है कि वो वर्ली करों को जिताने के लिए चुनाव मैदान में उतरे हैं, किसी से निजी लड़ाई नहीं है, साफ तौर पर वो आदित्य ठाकरे पर सीधा निशाना नहीं साधना चाहते हैं, लेकिन उनका कहना है कि वर्ली के लोगों को न्याय देने के लिए वो चुनावी मैदान में उतरे हैं। कैमरामैन योगेंद्र गुप्ता के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज मुंबई। फॉर एक्सक्लूसिव एंड इनसाइटफुल वीडियोस सब्सक्राइब टू आवर न्यू चैनल एबीपी लाइव प्रीमियम।